नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। बात करेंगे कर्जा माफी को लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं देश भर के किसानों का कर्ज माफ होगा, ऐसे मिलेगी सबसे बड़ी खुशखबरी। न्यूज की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ये पता कर सकते हैं कि न्यूज सही है या गलत। किसानों को लेकर इस कदम के बाद सभी का लोन होगा माफ। जिला अधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने कहा है कि कर्ज माफी एक अच्छा कदम है। इसमें लघु सीमांत किसान की बात न हो, उन्होंने कहा है कि यदि कर्ज को लेकर फरार हो गए देश के 10 उद्योगपतियों की संपत्ति जब्त कर ली जाए तो देश भर के किसानों का कर्ज माफ किया जा सकता है। वह यहाँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर आयोजित किसान सम्मान दिवस व कृषि प्रदर्शन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर जिले के 72 किसानों को सोल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। शिव सहाय का कहना है कि अगर देश के बड़े उद्योगपति जो कर्जा लेकर फरार हुए हैं, अगर उन सब की संपत्ति जब्त कर ली जाए तो पूरे देश का कर्जा माफ किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजनागत किसानों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिमा यादव ने कहा कि हमें हर्ष हो रहा है कि हम पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मोत्सव पर किसानों का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने हमेशा किसान के हित की बात की। उन्होंने सभी मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर उठाया। इस अवसर पर गारोट के विधायक व किसान नेता जवाहरलाल राजपूत ने कहा, जो किसान हित की बात करेगा वही दिलों पर राज करेगा। उन्होंने कहा है कि दलालों से बचें, पैसा देकर कोई काम ना करवाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ क्षेत्र के सबसे कमजोर किसानों को दिलाया जाए। अच्छा उत्पादन करने वाले किसानों का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा है कि जैविक खेती करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, साथ भूमि उपजाऊ होगी। इस अवसर पर किसान नेता कमलेश लंबरदार ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों के हित की बात कही। उन्होंने क्रय केंद्रों पर हो रहे बड़ी गड़बड़ियों को ठीक करने तथा लेखपालों द्वारा किसानों का शोषण बंद कराया। तो आपको बता दें कि सरकार अब धीरे धीरे अपना दिमाग लगा रही है और किसी न किसी तरीके से सभी देश के किसानों का कर्ज माफ करने के सोच रही है। अब देखते हैं होता है क्या। सरकार ये भी अभी दिमाग लगा रही, हो सकता है कर्ज लेकर फरार हुए 10 बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति जब्त कर ले और देश का कर्जा है वो माफ कर दे। लेकिन इसके फिलहाल अभी चर्चे चल रहे हैं, देखना है होता है क्या। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।